is Jonathan. Hydra vs Team Entity. मुझे लग रहा है आप सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी है लाइनअप 25 से ज्यादा फिनिश पॉइंट्स यहां पर अगर एंटी डाउन करने का प्रयास था। मीनवेल टीएसएम की अब बारी आ जाती है, 6 फिनिश पॉइंट्स आ चुके हैं। स्लेवन डालने की ये बारी बहुत बढ़िया। जोनाथन द ग्रेनेड यार द गॉड लेवल प्लेयर, वो ये क्या हुआ? आई थिंक टेस्टिंग हिज ओन मेडिसिन। जोनाथन ग्रेनेड ऊपर करने वाले थे बट ऊपर से ग्रेनेड आ जाता है, लियो को भी नॉक कर देंगे कैसली। अब बहुत सारी जिम्मेदारी अब इस पावर के ऊपर है और आई थिंक जिस क्षमता का ये खिलाड़ी है उसी क्षमता का एक वेपन भी है उनके पास, नाम रहेगा ग्रोजा। क्या 1v4 कर पाएंगे? साथ में असिस्टेंस के लिए जी गॉड मिलने वाले हैं, स्मोक करेंगे, ही विल बी ट्राइंग हिज बेस्ट टू प्रोवाइड दैट बबल टू जोनाथन। विल जी गॉड बी एबल टू प्रोवाइड डीओ? ओके, तो यहां पर अभी के लिए इस पावर अपने लिए पहला जो नॉक था वो सिक्योर कर चुके हैं, साथ ही साथ फिनिश सिक्योर कर देंगे। माइंड भी यहां पर आप चेक करें अगर गेम्स हो तो कोई भी कैजुअलिटी नहीं आई है अभी तक एंटिटी के पास और ये फाइट अभी भी 2v3 की है। जोनाथन को जी गॉड रिवाइवल दे रहे हैं, उधर से एस पावर की अगर आप नजर डालें तो वहां एस पावर आपको मिलेगा जो कंटिन्यूअसली अटैक को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्रोजा है या फिर एस पावर ने जोनाथन को क्रोजा दिया है कि ले मेरे भाई अब आपकी बारी है, आगे जाके चार्जिंग कर स्पॉट किया, स्पॉट करना मुझे पास के लिए यहां पर एक बार फिर से 100 ग्राम के बचेंगे। ये दूसरी बार हो रहा है मैक्सटन के साथ यहां पर फाइट लेने का मौका, इट्स मैक्सटन वर्सेस जोनाथन। उधर से एस पावर को भी रिवाइवल मिल चुका है, घूम जरूर रहे हैं मैक्सटन यहां पर बट आसान नहीं रहेगा इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अपने आप को बचाना और साथ में कुछ फिनिश पॉइंट्स यहां पर सिक्योर कर जाना। P1 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये बंदी टू का सिनेरियो स्पॉट किया, एस पावर को नॉक कर दिया मैक्सटन यहां पर अभी के लिए अपनी टीम के लिए वोटर्स करते हुए जा रहे हैं। जोनाथन को यहां पर स्पॉट कर लिया अगर तो ये 1v3 हो जाएगा मैक्सटन के लिए। आई थिंक स्पॉट कर भी चुके हैं बट क्या हुआ एक चीज बोलना चाहूंगा जो मैंने बड़े लंबे समय से एनालाइज करी है कि टीम INDI क्यों दूसरों से अलग है, क्या ऐसा करती है टीम INDI जो स्ट्रीमर बैटल के अंदर 6 में से 4 चिकन डिनर लेकर जाती है? yes. क्या ऐसा करती है कि एकदम पूरे मैच में दिखती नहीं है और आखिरी में पता चलता है कि INDI चिकन ले गई है 10 किल्स का? उस चीज पे मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगा। आप अगर देखें तो 6th zone तक ये टीम आपको जोन के बाहर मिलती है, ये सदर्न एरिया पर जाते हैं। कोई भी शिफ्ट हो मैं हमेशा से ये सोचता था कि टीम INDI के लिए अगर मिलिट्री का सर्कल आता है इनके लिए फायदा होगा, बट एक्चुअली में नहीं, इनको वो सर्कल ज्यादा फेवर करता है जब ये सर्कल के बाहर होती है क्योंकि ये सर्कल के बाहर खेलना पसंद करते हैं। 6th सर्कल पर ये कॉर्नर तक बैठेंगे, 7वें या 5 आप कह सकते हैं कि 6th के एंड तक ये धीरे धीरे कॉर्नर से एंट्री लेते हैं और बड़े ही सॉर्टेड तरीके से सिर्फ सामने सामने की फाइट्स लेते हैं। इतनी लेट जोन के अंदर एंट्री करते हैं कि इनको पता है कि हमारी बैक क्लियर है। पूरे मैच में सबसे मेन फोकस ये रहता है कि इनको थर्ड पार्टी के शिकार नहीं होना और इनका फोकस यही रहता है कि थर्ड पार्टी के फिनिश पॉइंट सिक्योर करने हैं। तो दिस इज द पॉइंट व्हिच मेक्स टीम INDI डिफरेंट फ्रॉम ऑल। फिर से टीम स्मोकी वर्सेस टीम जोनाथन, आई थिंक मीरा मारती है जो स्ट्रेंथ रहती है वो दोनों की रहती है और एग्जैक्टली यहां से अब कुछ फिनिश पॉइंट्स की दरकार रहेगी दोनों टीम्स के लिए। R20 ओके, तो रेड आउल के प्लेयर्स की भी यहां पर फाइट होने वाली है। दोनों टीम के थोड़े से रेड कलर के बारी यहां पर आ चुके रहती है, यहां पर रोबोट उधर से जी गॉड हो चुके हैं, इधर से बार अपना फिनिश पॉइंट सिक्योर कर लेंगे। स्मोकी अब थोड़ा सा टफ टाइम को डील कर रहे हैं, इनके जो पुराने टीममेट थे एस पावर उन्हीं के अगेंस्ट में यहां पर फाइट लेनी पड़ी है। जोनाथन को अगर नॉक कर दिया जाएगा तो इट गॉट बी क्रूशियल फॉर टीएस 70 एज वेल। एम्पायर जी गॉड को नॉक कर चुके हैं, इक्वेशन बिगड़ सकती है, 6 फिनिश पॉइंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, 2 और अगर सेफली सिक्योर कर ले एंटिटी के लिए स्टार्ट बहुत अच्छी रहेगी। बहुत सोच समझ के अटैक कर रही है, स्टार्टिंग के कुछ दिनों में ओवर अग्रेस कर रही थी बट अब संभल के अटैक कर रही है। देखिए नियो ने कितनी सावधानी से कितनी समझदारी से यहां पर स्मोकी को डाउन करा है और स्मोक कर कर अब जी गॉड को रिवाइवल भी दे देंगे। इस पावर पर आप क्लोज रेंज में पूरे तरीके से भरोसा कर सकते हो और जोनाथन एक ऐसा खिलाड़ी है जिस पर आप किसी भी पोजीशन पर आप खिलवा सकते हैं। थोड़ा सा पीछे जाएंगे अभी के लिए, डैमेज मिल रहा है, हील कर आगे जाना एक अच्छी थॉट रहेगी। उधर से इस पावर भी नॉकडाउन थे तो उनको भी हील करने का टाइम चाहिए। आगे जा रहे हैं नियो जो कि एक अच्छी थॉट नहीं है, नहीं करा हुआ और ये लीजिए उसी के चलते यहां पर नियो हो जाएंगे नॉकआउट। जिम्मेदारी एक बार फिर से एस पावर और जोनाथन की तरफ है और नंबर इक्वेशन कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है 7 सीज की भी, वहां पर भी काफी टफ टाइम चल रहा है। प्रधान सिर्फ अकेले बचे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ओके, तो प्रधान बचे हैं बट अलादीन कुछ अलग एंगल्स ट्राई कर रहे हैं अभी।
कवर बहुत अच्छा दे रही है एनटीटी की लाइनअप, एक एक कर कर यहाँ पर अपने आप को लड़खड़ाते हुए बचा रहे हैं। इधर से सेवेंसीज की टीम बैकफुट पे धकेलती हुई क्लियरली दिख रही है, मौका दे ही नहीं रहे एनटीटी के प्लेयर्स, वो भागने की कोशिश कर रहे हैं पीछे, उनको भागते हुए भी रोक रहे हैं ये सारे एनटीटी के खिलाड़ी, और जैसा कहा गया बिल्कुल वैसा हुआ। 12 फिनिश पॉइंट्स के साथ बिना किसी कैजुअलिटी के एनटीटी इज लुकिंग अनस्टॉपेबल। लेकिन भाई यहाँ पर हम बात करते हैं वापस से टीम एनटीटी के पास, और अब मेरे ख्याल से नंबर आ चुका है टीम लाइफक्राफ्ट का भी, और लेट्स सी क्या 3v4 पॉसिबल हो सकता है कि नहीं। और ये M249 साफ चल कर रही है कि शायद यहाँ पर ये 2v4 3v4 इजीली हो सकता है टीम एनटीटी के द्वारा। एक बार फिर से फिनिश पॉइंट के लिए जा रही है, एक ही खिलाड़ी बचा है पावर के पास आठ। कुछ ही देर पहले ये चीज बोली थी कि अगर आप जोनाथन पावर को एक ही टीम में डाल दोगे ऐसा तो होगा ही ना घातक भाई, ये गलत बात है। 22 फिनिश पॉइंट्स यहां पर लेकर जा चुकी है। व्हाट इज हैपनिंग आउट देयर गाइस, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जिसके साथ फाइट ले रहे हैं उसको फिनिश कर जा रहे हैं। 22 फिनिश पॉइंट्स, आई थिंक ये आउट ऑफ द सिलेबस जाते जा रहे हैं। अब इन्हें पढ़ना, इन्हें एनालाइज करना कुछ भी आसान नहीं रहेगा। जहां फाइट ले रहे हैं वहां से फिनिश पॉइंट्स, जहां ईडीएस मतलब फाइट शुरू होती है और बाद में पता चलता है कि तीन प्लेयर ऑलरेडी नॉक है। आई थिंक ये तीसरी बार हो रहा है गेम जो yes. और अभी भी हम ये देख रहे हैं फाइट शुरू होती है और तीन नॉक। एस पावर और जोनाथन लग रहा है आपस में ही कम्पीट कर रहे हैं कि फिनिशेस किसके ज्यादा होंगे। 27 फिनिश पॉइंट्स, 80 बंदों की लॉबी में 27 फिनिश पॉइंट्स एक टीम लेकर जाती है। जोनाथन के पास 11, इस पावर के पास 9, वो भी तब जब नियो की अर्ली कैजुअलिटी आ जाती है। ऐसा भी नहीं है कि 64 प्लेयर्स की लॉबी थी, लॉबी हल्की थी। 80 प्लेयर्स की लॉबी लोग बोलते हैं कि बड़ी क्योटिक होती है, बड़ी टफ होती है, बट मेरे को लगता है एनटीटी ने ना सिर्फ अपने लिए काम आसान करा है, दूसरों के लिए भी आसान करा है, क्योंकि ये स्टार्टिंग से सफाई अभियान में थे। इन्होंने बहुत जल्दी जल्दी लॉबी खाली करने की कोशिश करी है और आखिरी तक अपने लिए ही थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस बनाकर रखा है। मैं कहूंगा बाकमाल परफॉर्मेंस यहाँ पर, इससे ज्यादा लेवल की डोमिनेशन मैंने किसी इनविटेशनल स्क्रिम्स में नहीं देखी। M4 3x रहता तो ठीक है, मैं मान सकता था कि आप सिंगल टैप्स या फिर अच्छा आईडीएस खोल के कुछ लेस रिकॉल पनिश प्ले कर सकते थे। रेड आउट के लिए बहुत ज्यादा नहीं बचा, यहाँ पर हेड हो चुके हैं नॉकआउट, सील भी बीइंग द लास्ट मैन, स्पॉट कर ले या फिर डिसएंगेज कर ले इनके ऊपर जरूर से है, क्योंकि एनटीटी की टीम एक अलग ही फॉर्म में है, एक अलग स्केल पे खेल रही है इस बार, और वो जो अटैकिंग अप्रोच की स्टोरी है वो शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा परेशान होंगे ना इस मैच में एनटीटी के प्लेयर्स, क्योंकि सिर्फ 46 प्लेयर्स बचे हैं, जितने किल्स ये मारते हैं यूजुअली उतने अब ये नहीं मार पाएंगे। सो ये एनटीटी और एनटीटी के फैंस के लिए थोड़ा सा ट्रबल रहेगा कि भाई इतने सारे प्लेयर्स जल्दी जल्दी क्यों फिनिश ऑफ हो रहे हो, अभी एनटीटी के जो बहुत सारे किल्स आने थे वो बच गए इस तरीके से। बट ये देखिए अब वीरू का शो यहाँ से स्टार्ट होगा, इससे पहले भी हम यहाँ पर देख चुके हैं 7 फिनिशेस ये टीम निकाल चुकी है, एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी स्पॉट कर चुके हैं, उनको अभी नॉक कर चुके हैं, उधर से वीरू, इधर से सीर भी, लो ऑन एचपी, सीर भी गोस डाउन, वीरू बीइंग द लास्ट मैन। क्या रेड आउल के आखिरी खिलाड़ी पूरे तरीके से डोमिनेट कर पाएंगे, हील कर गए ऊपर चढ़ गए तो मौका बन सकता है, और ये अच्छा काम कर रहे हैं, सीर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल उन्हीं की लाइन ऑफ फायर में यहाँ पर नॉकआउट होकर आ चुके हैं, क्योंकि अगर नियो फिनिश करने आते हैं ना सीरवी को, वीरू को अच्छा एंगल मिल जाएगा। वैक्सी मीनवाइल यहाँ पर रियू को डाउन कर देंगे, नियो यहाँ पर ग्रेनेड कर देंगे, वीरू के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है, मजबूर करा बाहर आने के लिए, नियो ने काफी चालाकी के साथ वो ग्रेनेड करा, अब दोबारा करेंगे क्योंकि ये हील करने के लिए वापस चले गए, और वीरू भी स्मार्ट नहीं कम नहीं है, इन्होंने एक बार फिर से अपने आप को हील कर लिया, बट नियो भाई साहब उस हायर ग्राउंड को जिस तरीके से यूज कर सकते हैं वो सॉन पॉइंट है, थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे, बट बिल्कुल मौका नहीं दिया जोनाथन ने, जी गॉड ने थोड़ी सी टेंशन बढ़ा जरूर दी थी, बट अब यहाँ पर जोनाथन ने उसको अच्छे तरीके से एंड किया। पिछले मैच की बात करें वहां पर भी आखिरी जो हंसी थी वो जोनाथन ने हंसी, और यहाँ पर तो सारे ही हंसी हंस रहे हैं, क्योंकि पिछले मैच में 27, इस मैच में 10, दो बैक टू बैक चिकन डिनर, 15-15, 30, 30 और 27, 57 और 57 मतलब 67, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गलती अगर मैच में हो सकती है, बट 67 पोजीशन और किल पॉइंट्स तो इनको मिल गए मात्र दो मैचों से। क्या खतरनाक टेबल में लीड मिली है गेम्स।